हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलन आर्ट। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही खूबसूरत फूल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार चेन लेंगे। देखिए, ये चार चेन ले ली है हमने यहाँ पर, और अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया डालना है। ये देखिए, एक दो तीन, यहाँ पर हमें 10 बार सिंगल क्रोशिया डालना है। यहाँ पर हमने 10 बार सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ से ऑफ वाइट कलर ज्वाइन किया है। देखिए, यहाँ से अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने ये राउंड ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे और एक चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से डाल देंगे। देखिए, हमें यहाँ पर एक चेन छोड़ देनी है और नेक्स्ट चेन में डालना है। तो यहाँ पर हमने एक चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम इसे पलटेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए, यहाँ से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया डालना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर 4 बार डाला है। हमें इसी में जो हमने दो चेन ली थी वहीं पर हमें 8 बार डबल क्रोशिया डालना है। यहाँ पर हमने 8 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम इसे पलटेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से 1 बार सिंगल क्रोशिया डालना है। इस तरह से ये हमारी पंखुड़ी बन जाएगी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लग रही है। और फिर से हम यहाँ पर दो चेन लेंगे, एक और फिर ये दो। फिर से हम यहाँ पर एक चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। अब हम इसे यहाँ से पलटेंगे, देखिए, और फिर से हम यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर फिर से हमें 8 बार डबल क्रोशिया डालना है। जैसे हमने पहले ही डाला था वैसे ही हमें यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया डालना है। तो ये हमने 8 बार डबल क्रोशिया डाल दिया। अब हम फिर से इसे पलटेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर हम इसे, ये देखिए, पलटने के बाद यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन कर लेना है उसी चेन में। तो ये दो पंखुड़ी तैयार हो चुकी। अब हमें यहाँ पर 3 पंखुड़ी और बनानी है। जैसे ही ये दोनों बनाई है सेम वैसे ही हमें और 3 पंखुड़ी बना लेनी है। फिर से हम यहाँ पर दो चेन लेंगे। ये यहाँ पर हमने दो चेन ली है और फिर से हम पलटेंगे और फिर से हम यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमने 8 बार डबल क्रोशिया डाल दिया। फिर से हम इसे पलटेंगे और इसी चेन में यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब लास्ट में हमें दो चेन यहाँ पर डालनी है और फिर से हम पलटेंगे और फिर से 8 बार सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमने 8 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम इसे पलटेंगे और यहाँ पर इसे ज्वाइन करके कट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से कट कर लिया है और ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इस तरह से बना लेंगे।
तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लावर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस तरह हमने और भी फ्लावर बना लिए हैं। अगर आपको फ्लावर बनाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।